नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं मानसी गुलाटी। आशा करती हूँ आप लोग निरोग हैं, स्वस्थ हैं और रोज मेरे साथ योग कर रहे हैं। अपनी बॉडी को और फ्लेक्सिबल हम कैसे बनाएं? आज मैं बहुत सिंपल से योगासन का अभ्यास आपको बताऊंगी, जिससे आपकी बॉडी स्ट्रेंथन और फ्लेक्सिबल और होती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे, आँखों को बंद करेंगे, मन को शांत रखेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ओम का उच्चारण करेंगे। ओ rub your palm, आंखों पर रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दो चीजों पे विशेष ध्यान रखिए। सबसे पहले आपका अलाइनमेंट और दूसरा ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो इसके साथ में शुरू करेंगे। पहले हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति इस तरह से करेंगे। शुरू करेंगे आसन के साथ में। सबसे पहले हम करेंगे पश्चिमोत्तान आसन। किस तरह से करना है दोस्तों? पहले अपने पांव दंडासन में बैठ जाएंगे, पांव को स्ट्रेच करेंगे। इसको दो तरीके से हम करेंगे, देखिए किस तरह से करना है। इनहेल, एक्सहेल। रिलैक्स, एक बार और करेंगे इसको, बहुत अच्छे से करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। चलिए अब करते हैं सेतु बंधासन। लेट जाइए मैट पे। इनहेल, एक्सहेल।
पवन मुखासन, अब हम करेंगे धनुरासन। देखिए किस तरह से करना है। लेट जाइए पेट के बल पे, इनहेल, अब हम करेंगे भुजंगासन। हमारा बॉडी पूरी तरह रिलैक्स हो चुका है और रिलैक्स करने के लिए अब हम करेंगे भ्रामरी क्रिया। भ्रामरी क्रिया आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, आपके माइंड को पूरी तरह शांत रखती है। तो देखिए किस तरह से करना है भ्रामरी क्रिया। अपने हाथ को इस तरह से रखेंगे। अब आपका जो थंब है, देखिए थंब बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ईयर का जो फ्लैप होता है इसको प्रेस करेंगे। लोग अक्सर कान को बंद करते हैं, आपको सिर्फ ईयर के फ्लैप को बंद करना है। तो करिए, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा अपने विचार सुझाव हमसे ज़रूर शेयर करें। साथ में डाइट का भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। 5 बजे के बाद ऑयली फूड का सेवन मत करिए। पानी बहुत पीजिए, हर आधे घंटे के बाद आधा गिलास पानी पीजिए। आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को क्लियर करता है। स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। हम आपको फिर मिलेंगे। धन्यवाद।